चुनाव को देखते हुए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा आप सुनिए। इसमें भी बताया आप सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर आए, एक युवा क्लब योगेश्वर जी को बुक कर देकर के उनका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो लगातार आप पर 9 बजे से लेकर के और अब तक आप यहाँ जमे रहे, आप लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पर आप पहुंचे और जिस नामांकन दाखिल कराने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे हिंदुस्तान का नाम पूरे संसार में रोशन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात हम सबके बीच में रखे। माननीय श्री योगेश्वर जी दत्त, भारत माता की। मंच विराजमान मेरे लिए पूजनीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, हमारे अध्यक्ष उपेंद्र धनखड़ जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, गठबंधन के हमारे अध्यक्ष सी बांगड़ जी, तेलुराम जी हमारे पूर्व विधायक और भी गणमान्य एमपी एमएलए और सभी मेरे वरिष्ठ नेता और सामने सभी मेरे बड़े बड़े बुजुर्गों युवा साथियों सब समय राम राम और गणगणित जी अध्यक्ष ने बता दी, हमारे मंत्री ने बालियान साहब बता दी, हम तब ऐसा दो दो चार बात करना आ रहे हैं, कोई बात करने की नहीं आती। यू इलेक्शन में किस जगह ये इलेक्शन होगा का लगा हमारा है, इस इलेक्शन में ना तो कोई मुख्यमंत्री बनता ना मैं बिगड़ता, यो इलेक्शन है जनता की बुरादगी की जनता का। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो तीन बड़ी बड़ी घोषणा करी है, जनता बुढ़ापा को सृष्टि बना है, आईएम ले गए हैं, बुरादगी में एक भी बोली नहीं, गवर्नमेंट दो बोली दिए हैं, राइस मिल दी ही हैं, आज तक जो है अगर कोई करने वाले हो तेरे पहले करके होंगे उसके पहले सब राजा डालेंगे, बेस्ट वोट ने काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, जो परेशानी है चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, स्कूल की हो, खेल खेल मैदान की हो, वो ध्यान देता है, वोट देने का काम कर रहा है, मुख्यमंत्री हर देश की
अलग नीतियों हैं। आप किसे देश देख लो उसी खेल नीति और शिक्षा नीति से मत पूछिए। और जिस देश में शिक्षा और खेल मजबूत है तो वो देश प्रगतिशील है। हमारा भी वही मकसद है। एक कुश्ती के साथ साथ हर खेल का विकास और खेल का बढ़ है। यहां तो ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन निकले और वे ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड बिल्कुल निकल लगा मारे बड़े निकलेंगे आपके गरीब परिवार से खिलाड़ी निकले हैं। आप किसी भी देख लो। अरे यहीं से मैन दर्दी है, खूनमय खेल है, मैन नथ है, बहुत ज्यादा खेल देंगे उसी चीज के साथ आए हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाओ, लोगों को समझाओ, किसी से पत्ती मत आओ, वो ज्यादा सहन नहीं किसी की भी। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे लिए 36 आदमी है, मेरे लिए सब एक जाति है इंसानियत की। मैं कभी भी किसी भी तरह की बात करता है जाति पर 36 जाति बात बात करता है। मतलब कभी बस एक हवाई इंसानियत हमारी जाति खिलाड़ियों खिलाड़ी मेरी जाति हो कुछ नहीं है। आप अपना प्यार आशीर्वाद दो और लोगों को समझाओ। चार साल सरकार नोएडा है, काम कर रहे हैं, सरकार एमएलए एमपी बना है आपके लिए। आप ये के वोट है, कोई एमएलए बना है, वो एमपी बना है, वो आपके लिए बना है। आप अपना आशीर्वाद बना रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत धन्यवाद। चाय पानी व्यवस्था सभी चाय पानी लेकर जाए। भारतीय जनता पार्टी जजपाल गठबंधन भारत माता की। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि योगेश्वर दत्त ने नामांकन भर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने नामांकन भर दिया है। हालांकि इसी बीच लोगों से वोट की अपील करते हुए भी नजर आए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने नामांकन भर दिया है। दरअसल आपको ये बता दें कि बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की तरफ से नामांकन भरा जा चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं योगेश्वर दत्त, क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है और दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि इसी बीच योगेश्वर दत्त को आपने सुना, लोगों से वोट की अपील करते हुए भी वो नजर आ रहे थे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज 3 बजे का वक्त है नामांकन भरने का, 3 बजे तक ही वक्त है सिर्फ। और उसी बीच अब यहां पर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने नामांकन भर दिया है। हालांकि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री संजीव पालियान भी मौके पर मौजूद ही रहे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दरअसल पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से, पिछली बार भी 2019 के चुनाव में भी वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे थे। लेकिन उस वक्त उन्हें हुड्डा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को ही बनाया गया है। हालांकि अब बड़ी जानकारी ये अब तक हम पहुंचा रहे हैं कि योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा से नामांकन भर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोट की अपील करते हुए लोगों से वो नजर आए, लेकिन ऐसे में कई मुद्दों का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। और आपको ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि दरअसल उन्होंने नामांकन भर दिया है बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। 2019 के चुनाव में भी उनकी तरफ से ही दरअसल उम्मीदवार उन्हें ही बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार अपना घोषित किया और अब नामांकन भी भर दिया है बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल योगेश्वर दत्त बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी जानते हैं कि पिछले बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बड़ी जानकारी ये है कि अब उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे और ये तस्वीर भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं जब उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। और इसी बीच आपको ये भी बता दें
कि बड़ौदा से नामांकन योगेश्वर दत्त ने भरा है, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं योगेश्वर दत्त। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, जिनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जा चुका है, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच इनेलो उम्मीदवार जोगिंदर मलिक ने भी नामांकन भर दिया है, ये भी बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इनेलो प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी प्रत्याशी हो, दोनों की तरफ से ही नामांकन दाखिल किया जा चुका है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब योगेश्वर दत्त की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, तस्वीर है ये उसी वक्त की। और आपको ये भी बता दें कि इनेलो प्रत्याशी की तरफ से भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है और बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी भी। आपको ये देखिए, अब ये इनेलो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनेलो की तस्वीर में आप देखेंगे ये उस वक्त की तस्वीर जब इनेलो प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि अभय चौटाला भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो भी इस दौरान मौजूद रहे जब उनके प्रत्याशी की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है योगेश्वर दत्त ने, और उधर इनेलो प्रत्याशी की बात करें तो इनेलो प्रत्याशी की तरफ से भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है। ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर इनेलो उम्मीदवार की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, अभय चौटाला उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले हमने तस्वीर आपको बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की भी दिखाई थी जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। और अब ये जोगिंदर मलिक की तस्वीर है, इनेलो प्रत्याशी हैं जिनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है, अभय चौटाला उस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीर हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं, इनेलो उम्मीदवार जोगिंदर मलिक की तरफ से भी नामांकन भर दिया गया है, अभय चौटाला मौके पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की, उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर ही भरोसा जताया है। 2019 के चुनाव में भी दरअसल बीजेपी की तरफ से भरोसा योगेश्वर दत्त पर ही जताया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताते हुए यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त को किया गया है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब आप इनेलो की तस्वीर देख रहे हैं जब इनेलो की तरफ से उनके प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए जोगिंदर मलिक इनेलो की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अभय चौटाला भी उनके साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, वो भी पहुंचे हुए थे जब नामांकन दाखिल किया गया जोगिंदर मलिक की तरफ से। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि जब बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया तो उस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें ओपी धनखड़, या फिर हम बात कर ले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की, वो भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन ये तस्वीर है इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक की जब उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था। ये तस्वीर हम आपको इनेलो की तरफ से जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे अभय चौटाला भी वहीं पर मौजूद है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आप सुनिए। रोजे की जनता है और बहुत ज़्यादा मुझे उसमें ऐसे भी जाऊँगी, मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, दिल्ली का। देखिए बहुत ज़्यादा उत्साह में हमारी यहाँ पे जनता के लोग हैं, रोजे की जनता है और बहुत ज़्यादा मुझे उसमें ऐसे भी जाऊँगी, मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, दिल्ली का। तो आप सुन रहे थे योगेश्वर दत्त को। हालांकि जैसे ही उनका नाम फाइनल हुआ था तो उसके बाद उन्होंने ट्विटर के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम मनोहर लाल हो उनका आभार जताया था। लेकिन इसी बीच आपने अभी सुना भी, अब फिर से वो आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का और उसके साथ साथ सीएम मनोहर लाल का, क्योंकि उन्हें टिकट दिया गया है। अब ऐसे में ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था। हालांकि काफी खुश वो नजर, लेकिन ऐसे में आपको ये बता दें कि पिछली बार भी बीजेपी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया था और इस बार भी उन्हीं पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है। ऐसे में ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया,
आपको ये भी बता दें कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हो या फिर केंद्रीय मंत्री संजीव पालियान हो, तमाम ये बड़े चेहरे मौके पर मौजूद रहे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उधर इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक की तरफ से भी नामांकन भरा जा चुका है और उस वक्त उनके साथ अभय चौटाला मौजूद रहे। दोनों ही प्रत्याशियों की, चाहे हम बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें या फिर हम बात करें इनेलो के प्रत्याशी की, दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से उनकी तरफ से जब नामांकन दाखिल किया गया, यह तस्वीर उस वक्त की है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल योगेश्वर दत्त ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया गया उसके बाद जनता से वोट की अपील करते हुए भी वो नजर आए, क्योंकि पिछली बार भरोसा पार्टी ने जताया और इस बार भी जताया, तो इस बार फिर से वो भरोसे पर जरूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पूरी दमखम के साथ वो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई है जो आपको यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं बीजेपी प्रत्याशी के हक में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये देखिए ये तस्वीर उसी वक्त की है जब उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल योगेश्वर दत्त की तरफ से ये कहा गया है कि बड़ौदा की जनता उनके साथ है, जीत का दावा करते हुए योगेश्वर दत्त नजर आए। हालांकि उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और उसके साथ साथ जोगिंदर मलिक की बात करें तो उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल किया गया है और उसके बाद जैसे योगेश्वर दत्त नामांकन दाखिल करते हैं तो उसके बाद उन्होंने जनता का आभार तो जताया, प्रधानमंत्री का आभार जताया और सीएम मनोहर लाल का आभार भी उन्होंने जताया और जीत का भी दावा उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता उनके साथ है, लोगों से वोट की अपील करते हुए भी वो नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं इनेलो प्रत्याशी की जब उनकी तरफ से यहां पर नामांकन दाखिल किया गया था। उधर योगेश्वर दत्त की तरफ से भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है, बीजेपी उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त जिनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जा चुका है। और उधर इनेलो प्रत्याशी की हम बात करें जोगिंदर मलिक, उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल किया जा चुका है। हालांकि अब आपको बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में काफी बड़े चेहरे भी नजर आने वाले हैं जो यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी के हक में। लेकिन काफी अहम है ये चुनाव क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरह से कृषि कानून का विरोध देखने को मिला था, कुछ ऐसे लोग जिनकी तरफ से विरोध किया गया था। लेकिन अब ये बड़ौदा उपचुनाव हो रहा है, उसमें बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम जो घोषित है वो कर दिया है, नामांकन भी दाखिल हो चुका है। अब ये बड़ी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से अब एक के बाद एक चुनावी दौरे भी करेगी, जाहिर सी बात है, और इसके साथ साथ अब पूरी तरह से प्रचार में बीजेपी जुटते हुए नजर आएगी क्योंकि 30 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। कई बड़े चेहरों का उसमें नाम है, चाहे हम बात कर लें केंद्रीय मंत्री संजीव पालियान की, हालांकि अभी भी हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीर भी दिखाई थी, हालांकि वो मौजूद भी रहे जब बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीर हम आपको इनेलो प्रत्याशी की दिखा रहे हैं जोगिंदर मलिक जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, हालांकि तभी अभय चौटाला भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभय चौटाला भी मौजूद रहे थे। और ये तस्वीर है बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही नामांकन दाखिल करते हैं बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त, तो उसके बाद उनकी तरफ से आभार भी जताया गया। हालांकि जब उनका नाम ही फाइनल हुआ था तो उसके बाद ही उन्होंने ट्विटर के जरिए आभार जताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम मनोहर लाल का। लेकिन अब फिर से उन्होंने आभार जताते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और उसके साथ साथ उनकी तरफ से सीएम मनोहर लाल का भी आभार जताया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा की जनता उनके साथ है, एक बार फिर से जीत का दावा करते हुए वो नजर आए, लेकिन जनता से वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही ट्वीट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता का आभार भी जताया और इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी समेत शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा एक बार फिर से विश्वास दिखाते हुए मुझे बड़ौदा विधानसभा के प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं पार्टी का आभार जताता हूं। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि दरअसल जब नामांकन उनकी तरफ से दाखिल नहीं किया गया था तो उससे पहले वो अपने गांव में पहुंचे हुए थे, वहां उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आप जरा सुनिए।
पहली बार सभी कोई भी हमारे गांव का जो भी प्रत्याशी पहले आए हैं तो टिकट होती गांव में आती है और गांव का सहयोग होता है। क्योंकि मैं तो यहां तक पहुंचा हूं खिलाड़ी का, गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है। और आज हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह मलिक भी साथ में यहाँ पे आए हैं और यही है कि भाई ये टिकट ना तो मेरी है, ये ना महेंद्र सिंह मलिक बड़े भाई की, ये पूरे गांव की टिकट है, ये गांव की झोली में डालने के लिए है। हाँ, गांव की झोली में, और ये इलेक्शन गांव का होगा, गांव में इलेक्शन लड़ेगा और बहुत ज़्यादा मतों से जीते जाओ पिछली। दाखिल करने से पहले उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरे गांव का टिकट है, गांव की झोली में वो टिकट ये डालने आए हैं और कई बड़ी बातें उनकी तरफ से भी कही गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर दत्त ने फिलहाल नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी बीच उनकी तरफ से ये भी कहा गया, जनता के प्रति उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता उनके साथ है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि वोट की अपील करते हुए भी वो नजर आ रहे थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब योगेश्वर दत्त ने ये नामांकन भरा था। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि दरअसल उन्होंने राजनीतिक करियर की उनकी हम बात करें तो किस तरह से उनकी उपलब्धियां रही है और उनके पूरे करियर की हम बातचीत आपसे ग्राफिक्स के जरिए साझा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि फ्री स्टाइल रेसलर योगेश्वर दत्त 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने दरअसल इंचॉन गेम्स में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। ये इंचॉन गेम्स के हम जिक्र करें, पद्मश्री पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था 2013 में। ये राजनीति से पहले उनके करियर की हम बात करें, 2012 की बात करें, लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल 2010 में योगेश्वर दत्त ने जीता था। एशियन गेम्स दोहा में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने 2006 में जीता था। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने 65 किलोग्राम गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनका करियर रहा है राजनीति में आने से पहले। इंचॉन गेम्स में भी गोल्ड मेडल उनकी तरफ से जीता गया था और 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बड़ौदा सीट का क्या कुछ समीकरण है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे क्योंकि अब उपचुनाव होना है। तो आपको भी अभी हमने बताया कि किस तरह से योगेश्वर दत्त बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नामांकन तो दाखिल कर दिया गया है और आपको अब बता रहे हैं बड़ौदा ग्रामीण विधानसभा सीट है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल 19.54% जनसंख्या पिछड़ी जातियों के विधानसभा क्षेत्र की, 79.12% आबादी शिक्षित है। बड़ौदा सीट का इतिहास हम आपको बता रहे हैं, जो समीकरण रहा है बड़ौदा सीट का वो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ौदा ग्रामीण विधानसभा सीट है और 19.54% जनसंख्या पिछड़ी जातियों के विधानसभा क्षेत्र की, 79.12% आपको ये बता रहे हैं कि आबादी शिक्षित है, इसमें से हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी, कितने कितने वोट मिले थे, हम आपको अब ये बताते हैं। दरअसल ये देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या स्थिति थी। श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस से उन्हें वोट मिले थे 42,379 और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि योगेश्वर दत्त की हम बात करें बीजेपी से प्रत्याशी थे 37,530 उन्हें वोट मिले थे। भूपेंद्र मलिक जेजेपी से प्रत्याशी थे 32,419 उन्हें वोट मिले थे। नरेश बीएसपी से प्रत्याशी थे 3,277 उन्हें वोट मिले थे और जोगिंदर INLG से प्रत्याशी बनाए गए थे उन्हें 3,137 वोट मिले थे। ये 2019 की स्थिति हम बता रहे हैं और ये तमाम वो प्रत्याशी हम बता रहे हैं अलग अलग पार्टीज के कि उन्हें कितनी कितनी वोट मिली थी 2019 में बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए थे 2019 में, हालांकि जीत उन्होंने हासिल की थी, उन्हें 42,379 वोट उस वक्त मिली थी। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 2019 के चुनाव में टोटल कितनी वोट डली थी, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आपको ये बता दें कि दरअसल
2019 के चुनाव में कुल मतदाता 177,991 थे। पुरुष की हम बात करें, 98,585 पुरुष थे, महिलाएं 79,406 थी, 1836 सर्विस वोट भी थे। ये हम तमाम वो आंकड़ा बता रहे हैं जो मतदाताओं का है, क्योंकि 177,991 कुल वोटर्स थे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों